अगर आप एक ही तरीके का अंडा करी खा के बोर हो गए हो तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नए तरीके से अंडा करी की रेसिपी जो आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई गरम करना, उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा तड़कने लगे तब इसमें डालेंगे 3 इलायची, दालचीनी और एक तेज पत्ता। इसे थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज। प्याज बारीक कटा होना चाहिए। अभी इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। जैसे ये भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया 6 से 7 कलियां लहसुन और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम अदरक। अदरक को डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। 2 हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ चिकन मसाला का इस्तेमाल किया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो 3 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। इसे कट करके अच्छे से पीस लिया है। अब नमक डाल देंगे ताकि इस मसाला हमारा पक जाए। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक तड़का पहन लिया। इसमें डाला 1 चम्मच तेल और 1 अंडे फोड़ कर डाल दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जब मिर्ची के साइड अच्छे से पक जाएगा तब इसे हमें क्या करना है, पलट लेना है और दोनों साइड हमें इसे पका लेना है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक आप 3 से 4 जितने अंडे का आप भी करी बनाना चाहते हैं आप उतना अंडे पका लीजिए। तो देखिए हमारा मसाला भी बीच बीच में मैं चेक कर रही हूँ और इसे भी चला ले रही हूँ। अभी मसाले में हमने यहाँ पर डाला है 1/4 कप दही। दही डालते समय फ्लेम को लो कर लेना नहीं तो दही फट सकती है। जब दही अच्छे से पक जाए तब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। आप पानी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर इसे ढककर हम तब तक पकाने जब तक इसमें मसाला अच्छे से पक ना जाए और तेल ऊपर ना जाए। तो देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर जो मैंने अंडे को पकाया था उसे डाल देंगे। ये जो अंडे करी बनेगी ना आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अब इसे ढककर 2-3 मिनट तक पका लीजिए। इसके बाद ऊपर से इस पर हम हरी धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा झटपट अंडा करी न्यू स्टाइल का तैयार है। आप इसे चावल रोटी के साथ खाइए। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं।